इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब आपस में ही आप लोगों के बहुत सी गलत फहमियाँ मिसगिविंग्स एक बैकग्राउंड बनकर के सामने आई। नहीं, कोई मिसगिविंग्स नहीं है, एक सेंस ऑफ कंसर्न है कि हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं उन मुद्दों पे जहाँ जनता का हम विश्वास जीत सकें, उन मुद्दों को प्राथमिकता देकर सीट शेयरिंग पे क्या डिस्कशन कर कर कैसे एक पुख्ता नैरेटिव लेकर जनता के बीच उतरें और 2024 में ये चुनाव जीतें। बाकी जो भी डिफरेंसेस होते हैं हर राजनीतिक पक्ष में होते हैं, हर गठबंधन में होते हैं। सब मोदी जैसा गठबंधन नहीं हो सकता कि 42 पार्टीज हैं और 42 पार्टीज में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, सिर्फ मोदी जी या अमित शाह जी को है या बीजेपी को। आपने अखिलेश जी को सुना होगा अभी बोलते हुए, उन्होंने कहा कि अगर सब साथ होते, अगर मध्य प्रदेश में भी मिलकर चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग आते। तो सबक सीख लिया ना कांग्रेस पार्टी ने, सबक सीख लिया। अलायंस, मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगी, ये अलायंस स्टेट इलेक्शंस के नहीं थे, ये अलायंस पूरे देश के इलेक्शंस को लेकर थे। और ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है कि कहीं कहीं राज्य में कैसे एडजस्टमेंट हो सकती है, पर आई वुड जस्ट से कि भूल सुधार करने की ज़रूरत है अगर कहीं लगा है। अगर स्टेट इलेक्शंस में भी कोऑपरेशन की बात है, क्योंकि असेंबली की नहीं बात हो रही थी, बार बार हम लोकसभा पे फोकस कर रहे थे, तो वो भी डिस्कशन का मुद्दा बनेगा कल के उसमें। आखिर में आपके अपने मुद्दे और इंडिया गठबंधन के मुद्दे ये अलग अलग से हो जाते हैं। जैसे अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे थे अडानी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन की जहाँ जहाँ शासन है वहाँ अडानी कंपनी का जो है स्वागत हो रहा है। देखिए, कांग्रेस ने भी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी मोर्चे संभाले हैं, वर्षा गायकवाड़ जी धारावी की ही हैं, वो भी उस मुद्दे को प्रखरता से असेंबली में उठा रही हैं। शायद आप लोग असेंबली की डिस्कशंस नहीं देखते हैं इसलिए आपको पता नहीं है, पर रही बात अडानी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम एक इंडस्ट्रियल हाउस की नहीं है, प्रॉब्लम एक सरकार की है। सरकार जो फेवरेटिज्म कर रही है, सरकार के में जो लूपहोल्स हैं उसका फ़ायदा जो अडानी उठा रहे हैं उसकी भी आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी। हम तो केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं ना, और अगर उनका सब कुछ प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है तो क्यों स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ काम नहीं करेगी। हमें इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी ना परहेज़ है, हमें परहेज़ जो लूपहोल्स हैं जिसको एक्सप्लॉइट करके अडानी जी को फ़ायदा सीधा सीधा मिल रहा है और सब भारतीय जनता पार्टी अडानी के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, दिक्कत उससे है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।